गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग अपने SST के बुक में लेसन टू पढ़ रहे थे। लेसन टू में हम लोगों ने पूर्वांचल हिल रेंज तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे क्लाइमेट है। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। द नॉर्थन माउंटेन हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। नॉर्थन माउंटेन का जो क्लाइमेट है वो हमारे कंट्री पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत अधिक प्रभाव डालता है। दे फॉर्म ए बैरियर फॉर द मानसून वाइंड्स। मानसून वाइंड के लिए, हवाओं के लिए जो है एक बाधा का काम करता है ये। दे ऑल्सो कॉज हैवी स्नोफॉल इन सम ऑफ द प्लेस लोकेटेड इन दिस रीजन। इसकी वजह से जो है इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक स्नोफॉल होता है। द रीजन इन द ग्रेटर हिमालय विटनेस एक्सट्रीम कोल्ड। ग्रेटर हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर में बहुत अधिक ठंड पड़ता है। ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय में, ठंड के समय में, द टेम्परेचर डिप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ का टेम्परेचर जो है ठंड के टाइम में फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0°C से भी नीचे हो जाता है। द मिडिल हिमालय हैव ए समर टेम्परेचर ऑफ अराउंड 70°C। गर्मी के टाइम में मिडिल हिमालय का टेम्परेचर जो है वो 17°C के आसपास पहुंच जाता है। पीपल विजिट द माउंटेन वैली एंड हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर टू एंजॉय द प्लीजेंट वेदर। यहाँ का आनंददायी मौसम का आनंद लेने के लिए जो है लोग गर्मी के टाइम में जाते हैं यहाँ के वैली और हिल स्टेशन देखने के लिए, घूमने के लिए। द शिवालिक आर एट ए हाइट ऑफ 1250 meters अबव सी लेवल। सी लेवल से जो है शिवालिक की ऊंचाई 1250 meters है। दीज माउंटेन्स आर नॉट वेरी कोल्ड। ये माउंटेन जो होते हैं वो काफ़ी ठंडे नहीं होते हैं। बट दे गेट हैवी रेनफॉल। बट लेकिन यहाँ पर में बहुत अधिक बारिश होती है। फिर है वेजिटेशन। देयर इज स्पर्स वेजिटेशन इन द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में अपर्याप्त वनस्पति पाई जाती है। दीज इंक्लूड श्रब, मॉसेज, लीचन एंड वाइल्ड फ्लावर लाइक ब्लू पॉपीज एंड एडलवाइज। यहाँ पर में जो वनस्पति पाई जाती है उसके अंतर्गत श्रब्स, मॉसेज, लीचन और वाइल्ड फ्लावर आते हैं, जिसमें कि ब्लू पॉपीज और एडलवाइज हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ मिडिल हिमालय कंसिस्ट ऑफ पाइन, ऑक, पॉपुलर, वॉलनट, स्प्रस, फिर सिप्रेस, जूनिपर एंड पीच हैं। इस यहाँ जो नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है मिडिल हिमालय में वो है पाइन यानी देवदार, ऑक, शाहबलूत, पॉपुलर, पहाड़ी पीपल, वॉलनट, अखरोट, सब नरम लकड़ी के पेड़, फिर देवदार, सिप्रेस, सनोवर, जूनिपर, धूप चंदन और पीच। मीन्स भी पीच ही होता है, या उसको हिंदी में भोज वृक्ष बोलते हैं। दिस रीजन हैज़ मैनी ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, पियर्स, चेरीज एंड ऑलनट्स, ऑलमंड्स। ऑलमंड्स मीन्स होता है बादाम। यहाँ पर में जो बागान पाए जाते हैं पेड़ों के, ऑर्चर्ड मीन्स होता है बागान। यहाँ जो फलों के बागान पाए जाते हैं उसमें एप्पल, प्लम, पीचेस, पियर्स, चेरीज और ऑलनट्स पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द तराई रीजन ऑफ द आउटर हिमालय हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप सच एज राइस। तराई रीजन जो होता है वो निचला सतह सब होता है, यानी कि पहाड़ी इलाका में जो खेती लायक जगह होती हैं, जंगल सब होता है, उसमें साफ करके वहाँ फसल भी उगाए जाते हैं। जंगलों को साफ करके फसल उगाए जाते हैं जिसमें कि राइस, शुगर कैन और वीट उगाए जाते हैं। द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ ट्रीज। यहाँ का वेजिटेशन जो है वो ट्रीजों से, पेड़ों से बना हुआ है, जिसके अंतर्गत जो है कीकर का, साल का, टिक्का और बबूल का पेड़ आता है। द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। स्लोप्स मीन्स होता है ढलान वाला जगह, ढलुआ जगह। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। माउंटेन में, माउंटेनी इलाकों में जो स्लोप्स वाला जगह सब आता है वो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड ट्रेस फार्मिंग। इस टाइप के खेती को जो है ट्रेस खेती, घुमावदार खेती बोलते हैं। फिर है वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव, याक्स, गोट्स, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर एंड वाइल्ड स्लिप, वाइल्ड शेप आर सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स। नॉर्थन माउंटेन में जो जंगली जीव पाए जाते हैं उसके अंतर्गत याक आता है, गोट आता है, स्नो लेपर्ड मीन्स होता है सफ़ेद चीता, मस्क डियर मीन्स कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरन और वाइल्ड शेप मीन्स जंगली भेड़ आदि आते हैं। नेक्स्ट पेज। द फॉरेस्ट इन द मिडिल हिमालय रेंज हैव
हैव टाइगर लियोपार्ड डाइनोसेरस एंड मैनी वेराइटीज ऑफ डियर्स। मिडिल हिमालय के जंगलों में जो है टाइगर लियोपार्ड राइनोसेरस और कई तरह के डियर पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट इन द आउटर हिमालय रेंज हैव हाइनास जैकल एलिफेंट एंड टाइगर। और आउटर हिमालय के फॉरेस्ट में जो है हाइनास जैकल एलिफेंट और टाइगर आते हैं। दे आर मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द नॉर्थन माउंटेन। नॉर्थन माउंटेन के अंतर्गत जो है कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जंगली जीवों का संरक्षण या अभयारण्य आदि आता है। सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। उसमें से जो कुछ है उसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क आदि आते हैं। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थन माउंटेन्स। नॉर्थन माउंटेन की महत्ता। द नॉर्थन माउंटेन्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। नॉर्थन माउंटेन जो है वो इंडिया में बहुत अधिक महत्व रखता है। दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर। ये हमारे बॉर्डरों को जो है प्राकृतिक बाधा का काम करता है बॉर्डरों के लिए। प्रोटेक्टिंग मीन्स होता है सुरक्षा प्रदान करना। दे प्रिवेंट द कोल्ड वाइंस ऑफ नॉर्थन एशिया फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री। नॉर्थन एशिया से जो हमारे देश में ठंडी हवाएं प्रवेश करने लगती है उसको भी ये रोकता है। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। द फॉरेस्ट इन दीज माउंटेन्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर मेडिसिन एंड अदर यूजफुल थिंग्स। प्रोवाइड मीन्स होता है उपलब्ध करवाना। तो इन माउंटेनों में जो फॉरेस्ट हैं वो हमें उपलब्ध करवाते हैं टिम्बर मोटी लकड़ियाँ मेडिसिन और कई सारे यूजफुल वस्तुएँ। द नॉर्थन माउंटेन स्टॉप द मानसून वाइंड्स फ्रॉम गोइंग फर्टर नॉर्थ। नॉर्थन माउंटेन जो है वो मानसून हवाओं को अधिक दूर जाने से रोकता है। रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जिसके परिणाम स्वरूप जो है इंडिया के मैदानी इलाकों में काफ़ी बारिश होती है। सेवरल रिवर्स ऑर्गेनेट इन दीज माउंटेन्स नॉट ओनली प्रोवाइड अस विथ वाटर बट हेल्प अस इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन देम। कई सारी नदियाँ जो इससे निकली हुई हैं माउंटेनों से वो सिर्फ हमें पानी ही उपलब्ध नहीं करवाता है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी हमारी मदद करता है। और इसी से जो है डैम्स आदि का भी निर्माण होता है। डैम्स मीन्स होता है नहर आदि। फिर है आप लोगों का लेसन खत्म हो गया। एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। सबसे फर्स्ट में द डैश माउंटेन रेंज इज पार्ट ऑफ नॉर्थन माउंटेन तो कराकोरम। सेकंड में ए रॉ ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड ए रेंज। थर्ड में डैश इज हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। फोर्थ में डैश इज ए फेमस हिल स्टेशन ऑफ मिडिल हिमालय रेंज तो मनाली। फिफ्थ में द फूड हिल ऑफ द आउटर हिमालय इज नोन एज तराई। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन बी आप लोग नहीं बनाएंगे अभी कॉपी में क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा जल्दी जल्दी लेसन में। फिर है क्वेश्चन सी द स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट में माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड तो ये हो गया सेकेंड लार्जेस्ट में ट्रू। द वर्ल्ड हिमालय मीन्स एड ऑफ वाटर तो फॉल्स। मिडिल हिमालय रेंज इज ऑल्सो नाउन एज हिमाचल ट्रू। थर्ड जोजिला इज एन इम्पोर्टेंट पास इन द हिमालय ट्रू। द वर्ड ला मीन्स वैली फॉल्स। नेक्स्ट पेज मैच द कॉलम में मिडिल हिमालय हिमाचल आउटर हिमालय शिवालिक के टू माउंट गॉडविन ऑस्टिन बेचिंद्री पाल द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्रेस फार्मिंग द टाइप ऑफ फार्मिंग डन ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स। थिंक एन आंसर फर्स्ट वाला आप लोग छोड़ देंगे। सेकेंड वाले में नेम द फॉलोइंग ओनली नेम लिखने हैं इसको भर लोगे। द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड खरदुंगला जो यहाँ दिया हुआ है खरदुंगला। फिर सेकेंड द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। थर्ड में रिवर गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर गंगोत्री ए हिल स्टेशन इन द मिडिल हिमालय रेंज कुल्लू मनाली आदि एक कोई सा लिखना। फिर इसमें अनदर नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालय तो हिमाद्री यहाँ दिया हुआ है। लेसन आप लोगों का ख़त्म हो गया। ओके क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में लिख लेंगे।